हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टे ट्यून्ड विद समुद्रिका। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बिकॉज वी आर अबाउट टू कंप्लीट वन ईयर। लास्ट ईयर अप्रैल में ही मैंने ये चैनल शुरू किया था एंड आप लोगों की यू नो सपोर्ट एंड प्यार की वजह से वी आर गोइंग टू कंप्लीट वन ईयर नाउ। सो इसी खुशी में मैंने सोचा एक गिव अवे करते हैं। तो गिव अवे के सारे डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में दूंगी, बट मैंने सोचा कि जर्नी मेरी बड़ी यू नो इंटरेस्टिंग रही है, कई बार डीमोटिवेटेड भी रही हूँ कि वीडियोस इतने चल नहीं रहे हैं तो छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ, बट फिर भी कई बार आप लोगों के रिस्पॉन्सेज इतने अच्छे होते थे तो कंटिन्यू करने का सोचा एंड थैंक गॉड कि मैंने कंटिन्यू करने का सोचा। सो आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट यू एंड माई यूट्यूब जर्नी। सो जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं कि थोड़ी तबीयत ख़राब है, आज काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ तो आज हिम्मत करके बैठ गई हूँ शूट करने के लिए। एनीवेज, कई टाइम से मैं सोच रही थी कि क्यू एन ए सेशन किया जाए आप लोगों के साथ एंड मैंने अभी रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट, सो सम ऑफ यू यू नो वोटेड फॉर येस। सो आई थॉट कि चलिए आप लोगों के लिए क्यू एन ए सेशन ही कर लूँ बिकॉज शूटिंग करने में भी थोड़ा टाइम मुझे और लगेगा, अभी कम्प्लीटली मेरा यू नो बैक ठीक नहीं है। इनफैक्ट ये वाले वीडियो में भी काफ़ी रीटेक्स हुए हैं बिकॉज जब मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पेन ज़्यादा हो रहा है मैं बैठ जा रही थी। सो एनीवेज, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विथ ऑल द क्यू एंड ए क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। ओके, सो कुछ लोगों ने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पर रखा हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। बट एक क्विक इंट्रो में आप लोगों को फिर से दे देती हूँ। एज यू नो मेरा नाम है समुद्रिका, आई बिलोंग टू ओडिशा, मैं उड़ीसा से हूँ। एंड जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, मेरे फादर इंडियन नेवी से रिटायर हुए हैं, इसलिए यू नो कंट्री के मोस्टली सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में हम लोग काफ़ी रहे हैं बिकॉज ऑफ माई डैड्स पोस्टिंग एंड इसीलिए स्कूलिंग भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हुई है, कोई पर्टिकुलर सिटी की एजुकेशन नहीं है मेरी। एंड हाँ, आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, सो बी कॉम ऑनर्स किया हुआ है मैंने एंड आई वॉज डूइंग एम बी ए ऑल्सो, बट देन मुझे हाफ में छोड़ना पड़ गया ड्यू टू सम रीज़न। एंड आई हैव डन बी एड ऑल्सो बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई हैव डन टीचिंग फॉर फ्यू ईयर्स, सो हैव डन बी एड फॉर दैट एंड ये थी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, सो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या मेरे हस्बैंड मुझे मेरे कामों में हेल्प करते हैं, घर के कामों में, या यू नो उनका सपोर्ट रहता है कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड के शिफ्ट जो है वो बहुत पर्टिकुलर शिफ्ट नहीं है, ही डजंट हैव अ 9 to 5 वाला यू नो वर्किंग आवर्स। कभी कभी रात को बहुत लेट भी हो जाता है, 12 भी बज जाते हैं, कभी कभी वीकेंड्स भी बहुत बिजी रहते हैं, सो इसलिए एवरी डे तो मुझे हेल्प नहीं करते हैं। बट अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है एंड मैं उनसे बोलती हूँ कि यू नो थोड़ा सा झाड़ू लगा दो या थोड़ा सा पोछा लगा दो, डेफिनेटली वो मेरी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट जो अब मैं बीमार हुई थी लास्ट 1 week, ही डजंट लाइक टू यू नो एंटर द किचन, उन्हें किचन का कोई भी काम पसंद नहीं है, बट स्टिल बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एंड मेड्स अभी भी हमारे यहाँ पे यू नो स्टार्ट तो हो गई हैं बट मैंने ही नहीं अभी लगाई हैं। सो ही डिड ऑल द डिशेज, उन्होंने सब बर्तन वर्तन सब खुद से धोए एंड यू नो चाय वगैरह भी बनाई। इनफैक्ट आई वॉज जस्ट टेलिंग हिम कि 8 साल की शादी के बाद एंड एक चाय पीने के लिए मुझे यू नो अपनी कमर तुड़वानी पड़ी लिटरली, तब जाके मुझे तुम्हारे हाथ की चाय नसीब हुई है, अदरवाइज नेवर वो मुझे कभी चाय वाय कुछ नहीं बना के देते बिकॉज ही डजेंट लाइक इट। बट हाँ, जब भी मुझे किसी भी हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी एंड आई एम वेरी लकी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कब यू नो किसी यूट्यूबर के साथ कोलैब करूँगी। सो एक्चुअली इसका आंसर यही है कि अभी मैं बहुत न्यू हूँ, स्टिल आई एम वेरी न्यू। अप्रैल एंड में मुझे 1 साल हो जाएगा अपने चैनल को स्टार्ट किए हुए। स्टिल मेरी ग्रोथ बहुत इतनी अच्छी नहीं है, डिसेंट है। तो किसी के साथ कोलैब करने के लिए थोड़ा सा और एस्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है।
सो दैट कि यू नो आपको भी देखने में मज़ा आए एंड जो उनके व्यूअर्स होंगे उन्हें भी देखने में मज़ा आए. तो आई थिंक कोलैबोरेशन में थोड़ा टाइम और लगेगा, बट जल्द ही मैं कोलैब करूँगी. अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो चैनल और अच्छे से यू नो ग्रो करेगा एंड डेफिनेटली मैं बहुत जल्द कोलैब करूँगी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर. मैं वैसे तो बहुत रैंडम वीडियोज़ देखती हूँ, होम डेकोर स्टफ़ भी देखती हूँ, क्लीनिंग एंड क्लीनिंग वीडियोज़ बहुत देखती हूँ बिकॉज आई डोंट नो उन्हें देखकर थोड़ा सा यू नो एनर्जी आती है एंड देन मन करता है कि अपना घर भी साफ़ कर लें. सो बट मेरा फेवरेट यूट्यूबर अगर आप बोलें तो मुझे दिया मधुविता डे करके एक यूट्यूबर हैं, उनका इंग्लिश में चैनल है, तो वो मुझे बहुत पसंद है. जिस तरीके से वो अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हैं एंड बहुत ही सूदिंग वॉइस है उनकी, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करती हूँ या कौन सा फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो आई यूज़ माय फ़ोन ओनली, आई डोंट यूज़ माय कैमरा टू शूट. नॉर्मल मेरा रियलमी का फ़ोन है, मैं उसी से ही शूट करती हूँ. बिकॉज यू नो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना टाइम तक शूट कर पाऊँगी. आई थॉट कि दो तीन वीडियोज़ देखूँगी चल रहा है कि नहीं चल रहा है एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे. बट फॉर्चुनेटली आप लोगों के रिस्पॉन्स मुझे डिसेंट मिल रहे हैं, इट्स नॉट बैड. सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जल्द ही मैं कैमरा को स्विच कर जाऊँ. बट अभी मुझे लग रहा है कि यू नो फ़ोन से ठीक ठाक वीडियोस बन जा रहे हैं, तो आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट. कौन सा मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ फॉर एडिटिंग, एडिटिंग के लिए मैं फ़िलहाल इनशॉट यूज़ करती हूँ, दैट इज़ द फ्री वर्जन. सो आई डोंट वॉन्ट टू यू नो इन्वेस्ट टू मच ऑन माई यूट्यूब थिंग राइट नाउ बिकॉज इनकम फ़िलहाल ज़ीरो ही है. बेसिकली जुगाड़ होता है, ट्राईपॉड है मेरे पास, बट कई बार जब शुरू में ट्राईपॉड नहीं था तो वही यू नो बुक्स के ऊपर स्टैक करके या किसी हाइट पे रख के, तो वो सब चीज़ें से ही जुगाड़ से ही बेसिकली शूटिंग होती है. सो या सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू आई सी यूट्यूब एज अ करियर ऑप्शन और एज अ हॉबी. ऑनेस्टली आई डोंट नो बिकॉज बिफोर मैरिज आई यूज़ टू वर्क इन अ गुड एमएनसी गुड़गांव में एंड उसके बाद ड्यू टू माई हस्बैंड्स पोस्टिंग्स आई हैड टू क्विट द जॉब. देन आई स्विच टू टीचिंग. बट जब से मैंने वानिका को कंसीव करा है, जब से वो हुई है, तब से कोई प्रॉपर जॉब मैंने नहीं करी है. सो इट्स बीन 4-5 years नाउ जब से कोई फुल टाइम जॉब मेरे पास नहीं है. और जब तक वानिका थोड़ी और बड़ी नहीं हो जाती, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट ऑल्सो. सो फिलहाल के लिए आई थिंक आई विल टेक यूट्यूब वेरी सीरियसली एंड हु नोज अगर अच्छी ग्रोथ हुई एंड आप सबका सपोर्ट रहा तो मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो आई यू नो आई जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट, बट आई सी एज इट कम्स. फिलहाल सी द थिंग इज मैं कुछ भी करती हूँ आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट. सो इवन इफ फिलहाल मुझे इसमें से कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट यू नो वीकली. फॉर द मेन थिंग इज़ कि कंसिस्टेंट हूँ, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ एंड यू नो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जो थोड़ी यूज़फुल वाली वीडियोज़ हों वही डालूँ, जस्ट ऐसी कोई रैंडम वीडियो नहीं डालूँ. सो अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ एंड दैट्स वॉट आई विल कीप ऑन डूइंग. बाकी फ्यूचर का रियली डोंट नो, सो लेट्स सी. एक क्वेश्चन बहुत आप लोग ने मुझसे पूछा, कई बार आप लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा है एंड कई बार मेरे फ्रेंड्स भी इनफैक्ट मुझसे पूछते हैं कि बिकॉज़ वानिका अभी छोटी है, शी इज़ 3.5 नाउ, हाउ डू आई मैनेज, किस तरीके से मैं अपना घर का काम भी करती हूँ एंड यू नो यूट्यूब भी चलाती हूँ एंड वानिका को भी देखना होता है, प्लस दिस पैंडमिक हैज़ हिट अस, सो मेड्स वगैरह का भी उतना हेल्प नहीं होता, स्कूल्स बंद हैं. So how do I manage all this thing? Well, answer will be I think मेरी बेटी बहुत ज़्यादा cooperative है and मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हो ना, as a parent हम जो भी करते हैं आपका बच्चा वही follow करता है. I strongly believe in this क्योंकि मैंने शुरू से ही जब she was born उसके बाद भी मैंने अपने घर से कोई भी decor items नहीं हटाया था, सिर्फ उसके रीच से उस जो बिल्कुल उसके सामने अगर कोई कांच का आइटम है वो हटा देती थी कि कहीं उसे चोट वोट ना लग जाए. बट अदरवाइज़ मैंने कभी भी अपने घर को ऐसा मैसी नहीं छोड़ा है.
सो आई थिंक मेरी प्रायोरिटीज़ ऑलवेज क्लियर थी कि मुझे बच्चे को ध्यान रखने के साथ साथ अपने घर को भी टाइडी रखना है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, चाहे उसमें मुझे कितना भी यू नो मेरी एनर्जी ड्रेन हो या मैं कितनी भी थक जाऊँ. सो दैट वॉज माई प्रायोरिटी एंड आई थिंक वही मेरी बेटी ने पिक किया, वही उसने देखा, वही उसने फॉलो किया, वही उसने ऑब्जर्व किया. तो इनफैक्ट अभी भी आपने कई मेरे वीडियोज़ में देखा होगा कि वो मुझे हेल्प करती है. दैट इज़ ओनली बिकॉज उसने हमेशा मुझे देखा है ये सब काम करते हुए एंड शी थिंक्स इट्स वेरी नॉर्मल टू डू दिस, यू नो, कि बेडशीट को ऐसे ही रखना है, कुशन्स को यहीं रखना है, कचरे को डस्टबिन में ही डालना है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसने मुझे देखी हैं करते हुए, तो वो भी वही करती है. उसे लगता है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, ऐसा ही होता होगा शायद. एंड सेकेंडली, जब मैं कोई भी क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोज़ करती हूँ तभी भी मैं उसको साइड में ही बिठा देती हूँ, उसे कलर्स दे देती हूँ या उसे कुछ खेलने के लिए चीज़ें दे देती हूँ, सो दैट कि वो भी अपना एंगेज रहे एंड मेरे पास रहे. सो आई थिंक मयूरी जी ने ये क्वेश्चन किया था कि क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है तो शूट करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती क्या, क्रैंकी हो जाती होगी कभी कभी. यस, हो जाती है क्रैंकी, तो उस दिन मैं शूट नहीं करती हूँ. ऑफकोर्स प्रायोरिटी इज़ डेफिनेटली माई बच्चा. तो जब वो अगर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है या क्रैंकी हो रही है तो मैं अपना शूट वूट बंद कर देती हूँ एंड तब मैं उसे देखती हूँ. इसीलिए मैं वीक में एक ही वीडियो डालती हूँ, सो दैट कि पूरा दिन पूरा हफ्ता मेरा सिर्फ यूट्यूब में ना जाए. ये है. एंड सेकेंड चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं उसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाती रहती हूँ एंड अपने साथ ही रख के उसे एक्टिविटीज़ कराती रहती हूँ, सो दैट कि वो अपना यू नो खेलती भी रहे, उसे मज़ा भी आए और मेरा शूट भी हो जाए. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई वर्क, चाहे ये मेरा यूट्यूब का काम हो, चाहे when I used to work, कोई अगर मुझे काम दिया है तो आई हैव टू फिनिश इट ऑन टाइम एंड विथ यू नो माई 100%. तो मैं वो ढीला वाला काम मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. सो कई बार ऐसा भी होता था शुरू शुरू में कि यू नो जब मैंने वीडियो शूट कर रही हूँ तो बहुत टाइम लग जाता था एंड मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया होता था, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी कि यू नो बस कुकर में सब सब्जी एंड दाल एंड चावल डाल के यू नो खिचड़ी बना ली या फिर सिर्फ चावल या दाल बना लिए. तो इनिशियल जो मेरा टाइम था, मेरे हस्बैंड ने बहुत एडजस्ट किया है, मेरे बच्चे ने भी बहुत एडजस्ट किया है, क्योंकि थोड़ी सी मैं हूँ कि मुझे काम मुझे परफेक्ट चाहिए होता है, टाइम से चाहिए होता है. आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई डेडलाइंस, चाहे ऑफकोर्स ये मेरा अपना चैनल है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, बट स्टिल आई वॉन्ट कि मैं वीकली अपना वीडियो शेयर करूँ जितना हो सके, मेरे यू नो जितनी मेरी कोशिश रहती है कि मैं कर लूँ. सो वो एक मेरी कोशिश रहती है एंड इसलिए कई बार ऐसा भी होता था शुरू शुरू में कि मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन अब सॉर्ट आउट हो गया है बिकॉज अब काफ़ी वीडियोज़ 60+ वीडियोज़ मेरे चैनल पर मैंने अभी तक अपलोड कर लिए हैं, तो अब थोड़ा सा आइडिया हो गया है. तो प्लानिंग थोड़ी सी कर लेती हूँ कि कौन सा वीडियो शूट करना है, कितना टाइम लगेगा एक शूट करने में, कितना टाइम लगेगा एडिटिंग करने में, कितना टाइम लगेगा वॉइस ओवर देने में. वॉइस ओवर में मुझे इतना टाइम नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट. वॉइस ओवर जिस दिन मुझे अपलोड करना होता है वीडियो, मैं उसी दिन ही वॉइस ओवर करती हूँ, बट हाँ एडिटिंग में टाइम लगता है एंड शूटिंग में टाइम लगता है. तो क्या फ्यू ऑफ यू वॉन्टेड टू नो माई यूट्यूब जर्नी. बेसिकली लास्ट ईयर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था बिकॉज लॉकडाउन था उस समय. काफ़ी फेसबुक पे एंड इंस्टा पे यू नो लोग अपने कुकिंग स्किल्स वाले पिक्चर्स अपलोड कर रहे थे, तो मैंने भी ऐसे ही यू नो रैंडमली एक लिविंग रूम का वीडियो मैंने शूट किया, 2 मिनट का या 3 मिनट का शायद. एंड यूँ ही मैंने यू नो यूट्यूब का एक चैनल स्टार्ट करके उसमें मैंने अपलोड कर दिया एंड आई जस्ट टोल्ड माई हस्बैंड, जैसे ही मैंने उसे अपलोड किया, आई सेड कि आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल एंड दिस इज़ अ वीडियो, जस्ट सी. एंड ही वॉज लाइक या इट्स गुड. एंड देन आई फॉरवर्डेड टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो, जो मेरे बहुत खास फ्रेंड्स थे, मेरी सिस्टर एंड मेरे ब्रदर एंड मेरे जो कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, उनको मैंने शेयर किया. उनसे भी फॉर्चुनेटली रिस्पॉन्स अच्छा आया. बहुत अच्छे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं अपने यू नो वीडियोज़ फॉरवर्ड करती थी एंड अपनी सिस्टर को फॉरवर्ड करती थी कि यू नो बिफोर अपलोडिंग, कि एक बार देख लो कि ठीक लग रहा है कि नहीं, डाल सकती हूँ कि नहीं. एंड यू नो दे यूज़ टू अप्रूव कि हाँ, मैं कोई थंबनेल नहीं बनाना आता था. फॉर दैट ऑल्सो आई अप्रोच अ फ्रेंड एंड उसने बनाया एंड देन आई लर्न. फिर सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा.
how to create thumbnails, how to edit, you know, what things to add, you know, कुछ टेक्स्ट कैसे डालना है, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ मैंने यूट्यूब से ही सीखी. तो या दैट्स हाउ माय चैनल स्टार्टेड. एंड सोचा नहीं था कि इतना आगे आऊँगी. आज 60 प्लस वीडियोस मैंने बना लिए हैं पूरे. एंड अप्रैल आई थिंक 24th या 25th को मैं, एक साल मेरा ख़त्म हो जाएगा. सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं इतना यू नो आगे तक आई. मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, यू नो, मेरी अपनी ग्रोथ डेफिनेटली हुई एज अ पर्सन. मैं बहुत इवॉल्व हुई हूँ. सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद दिस यूट्यूब थिंग. सो द चैलेंजेस आई फेस, यू नो, टू अपलोड एनी वीडियो, सी देयर आर लॉट मेनी चैलेंजेस बिकॉज आई हैव अ स्मॉल डॉटर. तो ऑल द मॉमीज दे नो कि बच्चे के साथ काम करना कितना डिफिकल्ट होता है. सो उस पर भी ध्यान देना. प्लस आई डोंट हैव अ हेल्प, तो घर का काम वगैरह भी खुद ही करती हूँ. डिश वॉशर मैंने रिसेंटली, इनफैक्ट दिवाली पे लिया था, बट उससे पहले तक एवरीथिंग आई यूज टू डू ऑन माई ओन. सो सब कुछ काम के साथ, फिर वीडियो शूट करना, पहले सोचना, फिर शूट करना. शूट करने में पूरा एक दिन निकल जाता है. एंड फिर एडिटिंग करना, बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है. कई बार खाना नहीं बनता है, कई बार खाना जल जाता है, कई बार बच्चा मेरा क्रैंकी हो जाता है. बट प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में है, है ना. तो जो काम करने में अच्छा लगता है उसके लिए आप कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेते हो या मैनेज कर ही लेते हो. जैसे कि कई बार यू नो तबीयत भी ख़राब रहती थी, फिर भी आई यूज़ टू शूट. कई बार जब वानिका के साथ टाइम दिन में बिताना होता था, आई यूज़ टू शूट इन द नाइट. तो उस तरीके से आई यूज़ टू मैनेज थिंग्स. एंड बट येस, एज आई टोल्ड यू, आई हैव अ सपोर्टिव हस्बैंड. सो कभी कंप्लेन नहीं करी कि खाना जल गया या कुछ, यू नो. सो आई थिंक ये सब चीज़ों की वजह से भी एक पॉजिटिविटी है. एंड प्लस मुझे आई एम पैशनेट टूवर्ड्स दिस. सो अच्छा लगता है काम करना, तो दैट्स वाई थिंग्स आर वर्किंग फाइन. सो दीज वर द क्वेश्चंस. एंड आई होप आपको इन सब के बाद मेरे बारे में थोड़ा बहुत और जानने को मिला होगा. एंड तो अब बारी है हमारे गिव अवे अनाउंस करने की. एज यू ऑल नो कि बस कुछ ही दिनों में हमारा ये जो चैनल है ये 1 ईयर कंप्लीट कर जाएगा. सो इसी खुशी में आई थॉट कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, सो वाई नॉट टू यू नो स्टार्ट विद अ गिव अवे. तो ये चैनल का पहला गिव अवे है. सो रूल्स बहुत सिंपल हैं. आपको सबसे पहले तो मेरा सब्सक्राइबर होना पड़ेगा, सो दैट इज़ अ फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड के लिए आपको या तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए. दोनों का जो हैंडल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और यहाँ नीचे भी मेंशन कर दूँगी. तो फिर मैं बता भी देती हूँ, फेसबुक इज़ स्टे ट्यून्ड विद समुद्रिका एंड इंस्टा हैंडल इज़ समुद्रिका 02. इन दोनों में से किसी एक पे भी करेंगे तो भी चलेगा. रीज़न बीइंग कि इससे मुझे इजी होगा आप लोगों को कांटेक्ट करने में, अगर आप में से कोई एक विनर होता है तो. एंड थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें से आपका फेवरेट वीडियो कौन सा है एंड क्यों, ये आपको मुझे लिख के देना है. आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिए. एंड बस उसके बाद मैं रैंडमली एक लकी ड्रॉ से एक विनर सेलेक्ट करूँगी. एंड उसके लिए बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गिफ्ट है. गिफ्ट क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने अगले वीडियो पे. बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस बिकॉज गिफ्ट अच्छा होगा. अभी तक आपने मेरे जो भी जिस तरीके से भी स्टाइलिंग देखी, अगर आपको वो स्टाइलिंग पसंद है तो गिफ्ट अकॉर्डिंगली ही है. किसी कोई भी एक होम डेकोर से रिलेटेड एक गिफ्ट है. एक्चुअली मैंने अमेजोन से ऑर्डर करे हैं, कुछ मिंत्रा से ऑर्डर करे हैं, अभी तक वो आया नहीं है. सो दैट इज़ द रीज़न मैं आपको अभी गिफ्ट दिखा नहीं सकती हूँ. बट आई होपफुली सैटरडे तक सब आ जाए, तो आई विल बी रिवीलिंग दैट टू यू. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, गिफ्ट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो डू पार्टिसिपेट. एंड अब आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो पे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.